अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू नादियाज़ किचन। तो जी आज मैं आपके लिए कुछ चीज़ें लाई हूँ जो मैंने YouTube चैनल के लिए ख़रीदी हैं। तो मैंने कहा कि अपनी YouTube फैमिली के साथ भी मैं इनको शेयर करूँगी। तो ये जी राइस कुकर है, ये स्पाइस जार हैं और ये चॉपर है, आपको नज़र आ ही रहा होगा। तो चलें जी कुकर को खोलते हैं। तो जी मैंने इसे बेड के नीचे रखा हुआ था, तो ये देखें अभी निकालते वक्त ये इसका गत्ता भी फट गया। तो इसे खोल के आपको दिखाएँगे कि ये हमारा राइस कुकर है। तो ये जी ऑटोमेटिक कुकर है, राइस कुकर, बहुत ही प्यारे कलर हैं इसमें। तो इसमें हम जब कुकिंग करेंगे तो आपके सामने ही करेंगे, आपको दिखाएंगे। इसमें ये इसकी बुक है, इसके ऊपर इसके सारे फंक्शंस लिखे होते हैं। ये देखें ये सारा इस पर लिखा हुआ है। इसको देख के हम फिर इसमें कुकिंग करेंगे। तो इसमें से एक मेजरिंग कप निकला है और ये इसकी एक वायर है, एक चम्मच जो इन्होंने दिया हुआ है। ये इसका जो अंदर कुकिंग करने वाली है पतीली सी, ये अंदर इसके इस तरह से रखेंगे। तो जी इन चीज़ों की मुझे इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने अपने YouTube चैनल के लिए ख़रीदा है, आप लोगों के लिए, आप लोगों को कुछ नया सिखा सकूँ। तो जी इस पेज पे आपको सारा उन्होंने बताया हुआ है आपने इसको कैसे इस्तेमाल करना है। तो जी ये बहुत आसानी के लिए होता है। तो ये जी हमारा स्पाइस जार है, तो इसको भी खोल लेंगे। काफ़ी ख़र्चा हो गया इन चीज़ों पे। ये इसमें बड़े जार हैं, इसमें आप ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, इसमें आप स्पाइसेस डाल सकते हैं, कोई भी मसाले हों कुछ हो। तो इस तरह से मैं आपको रख के दिखाऊंगी सारे, इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। ऊपर इन्होंने दिया हुआ है ऑप्शन, इसके साथ इन्होंने ये छोटे चम्मच रखे हुए हैं और ये बड़े वाले चम्मच जो हैं वो इन्होंने इसके लिए दिए हुए हैं। मैं अब इनको चेंज करूंगी किचन में, जिस दिन लगाऊंगी वो भी आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी। किचन की लुक ज़रा चेंज हो जाएगी जब जार लगेंगे, नए जार लगेंगे, नई बोतलें पड़ी होंगी तो बहुत अच्छी लगेंगी। ये हमारा चॉपर है, इसे मैंने एक बार इस्तेमाल भी किया है, बहुत अच्छा काम करता है। नगेट्स वगैरह बनाएंगे अभी हम आपके सामने इसमें। तो जी ये मेरी तीनों चीज़ें हैं जो मैंने अपने YouTube चैनल के लिए ख़रीदी हैं। ये ब्लेड्स लगा के आप सलाद बना सकते हैं, यहाँ से ये चेंज होगा। तो ये इन्होंने तीन ब्लेड दिए हुए हैं, जिन्होंने नहीं कभी इस्तेमाल किया वो इसकी मदद से इजीली इस्तेमाल कर सकती हैं। तो जब हस्बैंड लेके आए हैं मैं बहुत खुश थी कि मेरी तीन चार चीज़ें इकट्ठी तीन चीज़ें आ गई हैं, तो काफ़ी बजट भी आउट हो गया। तो आज की ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। यह आप लोगों की तरफ से हमारे लिए प्यार मोहब्बत होती है। फिर मिलेंगे जी एक नई वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखें और अपना बहुत सा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।